नमस्कार, वन इंडिया हिंदी की खास पेशकश रण बांकुरे में आपका स्वागत है। 8 महीने तक जंग के हालात में रहने के बाद भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चल रही है। दोनों देशों की सेना फॉरवर्ड पोस्ट से पीछे हट रही है और अप्रैल के पूर्व की स्थिति में जा रही है। दोनों देशों के बीच आई इस नरमी में भारत के जिस आर्मी ऑफिसर की अहम भूमिका बताई जा रही है वो हैं नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, जिनकी कुशल रणनीति ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही वाई के जोशी एक ऐसे आर्मी ऑफिसर बन गए हैं जिन्होंने चीन और पाकिस्तान दोनों को ही अपनी रणनीति और बहादुरी से मात दी है। जी हाँ, वाई के जोशी इससे पहले पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध में भी शामिल हो चुके हैं। उस युद्ध में उन्हीं की बड़ी सफलता ने जंग में भारत की जीत सुनिश्चित कर दी थी। दरअसल 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान योगेश कुमार जोशी लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि द्रास सेक्टर में पॉइंट 5140 पर कब्जा करना है। लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी ने अपनी चतुराई और बहादुरी से दुश्मन को चौंका दिया और सफलतापूर्वक इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस दौरान जोशी ने अपने सैनिकों का हौसला भी बरकरार रखा और आगे बढ़कर नेतृत्व किया। ऑपरेशन विजय में लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी की टीम ने 6 दुश्मनों को मार गिराया, जिससे पाकिस्तान की स्थिति बेहद कमजोर हो गई और भारत की सामरिक स्थिति बेहद मजबूत। कारगिल की जंग के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल जोशी की बटालियन को 2 परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र और 14 सेना मेडल अपने नाम किया था। 8 में से 1 वीर चक्र उन्हें भी मिला था। जेपी दत्ता की फिल्म LOC संजय दत्त ने फिल्म में जो रोल निभाया था वो वाई के जोशी का ही रोल था। उनकी खासियतें सिर्फ यहीं सिमट कर नहीं रह जाती, बल्कि वो 3 बार पूर्वी लद्दाख में तैनात रहे हैं। फायर एंड फ्यूरी कोर के कमांडर नियुक्त होने से पहले वो एक ब्रिगेड और डिवीजन को कमांड कर चुके हैं। साल 2005 से 2008 तक वो चीन में बतौर डिफेंस अटैच अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साल 2007 में भारत और चीन के बीच हुई पहली हैंड इन हैंड वॉर एक्सरसाइज में उन्होंने तकनीकियों को समझा था। ये एक्सरसाइज चीन के कोमिंग में आयोजित हुई थी। इसके अलावा चीन के साथ वार्ता के दौरान वो इंडियन आर्मी का नेतृत्व भी कर चुके हैं। सेना की 14वीं कोर यानी फायर एंड फ्यूरी पर लद्दाख की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी साल 2018 से 2019 तक इस कोर के कमांडर रह चुके हैं। कारगिल की जंग के बाद से ही इस कोर को तैयार किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी के पास चीन से जुड़े मसलों से निपटने का अच्छा खासा अनुभव है। यही वजह है कि उन्हें सेना के उत्तरी कमांड की कमान सौंपी गई और जिम्मेदारी मिलते ही उन्होंने बिना युद्ध लड़े चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।